गाइज, अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ढीली पड़ चुकी है, फाइन लाइंस की समस्या है या आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल पड़ गई है, तो प्लीज मेरा बताया हुआ ये पैक रात को सोने से पहले जरूर लगा लीजिए। आपकी स्किन 10 साल जवान हो जाएगी। एग्जैक्टली, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, पहले से कहीं ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। बिल्कुल नेचुरल है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और 1 वीक तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो रोज़ रोज़ बनाने का झंझट नहीं, आराम से बनाएं और उसको रोज़ाना लगाते रहें। लगाने के बाद जो भी आपकी स्किन पर इसका रिजल्ट आएगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। वैसे इसको किसी भी उम्र के लड़का लड़की दोनों इसको अप्लाई करके अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। चावल आपको पता ही है कोरियन स्किन के रूटीन में यूज किया जाता है। ये आपकी स्किन को नेचुरली बहुत ज्यादा फॉर्म करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करता है, टाइट करता है, ब्राइट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख रही हूँ। अब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं चावल को भीगे हुए, तो अब मैं इनको ऐसे ही पानी के साथ ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूंगी और इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं चावल, तो मैं इनका जो पानी है यानी इसका जो जेल है वो अलग कर लूंगी और जो रॉ रहेगा इसका चावल का मोटा दाना वो अलग कर लूंगी छन्नी की मदद से। अब चावल का बच गया है मोटा मोटा दाना, तो इसको भी आपको फेंकना नहीं है बल्कि ये हमारे स्क्रब के काम आएगा, तो मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लूंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसका हमने जो चावल का पानी निकाला था पीसने के बाद, और उसको पकाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई बर्तन ले लीजिए और इसको गैस पे लो फ्लेम पे हमें पकाते रहना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको गैस पे रख लिया है और मैं इसको पका रही हूँ। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इसको पकाते टाइम आपने इसको चलाते रहना है, क्योंकि जहाँ आप इसको चलाना रोक देंगे वहीं पर ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है, और अब आपको क्या करना है, इसको आप 15 डेज के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल गाढ़ा एक क्रीम फॉर्म में बन चुका है। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है, तो इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। ध्यान रहेगा कोई भी रेमेडी जब होती है वो कांच के बाउल में ही आप उसको बनाएं, तभी वो आपके फेस के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि प्लास्टिक में ज्यादातर रेमेडीज है वो पीने की हो या लगाने की नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरीके से अब इसको मैंने कांच के बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी क्या करेगी, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगी, आपके फेस पे छोटे छोटे जो दाने हो रहे हैं उनको भी खत्म करेगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हनी। हनी क्या करता है, आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करता है, आपकी स्किन पर नेचुरली ग्लो लेकर आता है, ब्राइटन करता है और आपकी स्किन को टाइटन करता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है विटामिन ई का कैप्सूल। इस तरीके का आपको पत्ता मिल जाएगा किसी भी केमिस्ट शॉप से या नॉर्मल परचून की दुकान से, तो 30 रुपीज का आता है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके ओवरऑल फेस के लिए। ये आपके फेस पे एजिंग नहीं आने देता, आपकी स्किन पर बहुत अच्छा शाइन और ग्लो लेकर आता है। तो आप इसमें 1 कैप्सूल का जेल इस तरीके से ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको साइड पे रख दीजिए, क्योंकि ये आपका रेडी हो गया है पैक। ठीक है, अब बारी आती है जो चावल के हमने दरदरा निकाल था, उस बाउल में अब आप ऐड कर दीजिए 2 चम्मच हनी। तो सबसे पहले आपको इस प्रोसेस को रात को फॉलो करना है, हफ्ते में 3 बार। पहले अपना चेहरा किसी भी रोज वाटर से या फिर फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके से चावल के जो दरदरे दाने थे जिसमें हमने हनी ऐड करा है उनको मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हमें उससे अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करना है। स्क्रब करने का क्या बेनिफिट होता है, आपके स्किन पर जितनी भी डेड लेयर है, इम्प्योरिटीज है, डलनेस है, अनइवन स्किन है, वो सब कुछ अच्छे से निकल जाएगी, आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्क्रब कर चुकी हूँ, अब मैं ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लूंगी। अब आप देख सकते हैं मेरा फेस एक बार में स्क्रब के इस्तेमाल से ही कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। अब बारी आती है पैक की, तो जो हमने पैक बनाया था उसको आप ब्रश की सहायता से या फिर अपने हाथों की उंगलियों की सहायता से आप पूरे अपने फेस पर उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप अपने चेहरे पर इसको छोड़ दीजिए, और ध्यान रहे जब आप कोई पैक लगाते हैं तो किसी से बातचीत ना करें, नहीं तो आपके फेस पर रिंकल फाइन लाइंस की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। 15 मिनट बाद आप अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लें। अब आप देख सकते हैं दोनों चीजों को प्रोसेस करने के बाद मेरा फेस कितना फूल की तरह खिल चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। मेरा ये पैक बॉयज और गर्ल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ नया बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।